हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्क एनीथिंग। देखिए, आज के वीडियो में ए डिजाइन लेके आई हूँ। ए डिजाइन ट्यूबेल रोज का डिजाइन है, वही ट्यूबेल रोज आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पर ऐसे दिखता है। स्टिचन को बनाने के लिए आपको 6 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1, ये 6 फंदों का डिजाइन है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 6 फंदों का डिजाइन है। 6 फंदा 6 फंदा 6 फंदा करते जाना है आपको। इसमें मैंने 6 का मल्टीपल करके 18 प्लस 1 एज स्टिच कर लिया है। टोटल 19 फंदा डाला है। यहाँ फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। अब देखिए, अब इस दो फंदों का आपको ट्विस्ट करना है। पीछे से राइट नीडल डालिए, ये पीछे इस फंदे का आपको, सेकंड फंदा का आपको आगे लेंगे, फर्स्ट फंदा को पीछे लेंगे इस तरह से। अब इस फंदे को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है। अब एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे का आपको पल वाइज इससे स्लिप करना है। फिर से अब चार फंदा सीधा, फिर 1 2 3 4। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। देखिए, एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करनी है, ये दो फंदों को ट्विस्ट करनी है आपको। आपको ये दो फंदों को राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करनी है, फिर चार फंदा सीधा बुननी है। फिर से रिपीट करेंगे आपको इन्हीं फंदों को। देखिए, अब इस दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, ये सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे, राइट नीडल पीछे से डालिए इस तरह से। ये सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे इस तरह से। फिर इस फंदे को भी लेफ्ट नीडल में लेंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा आपको फॉलो बाय स्लिप करनी है इस तरह से। अब चार फंदा सीधा, 1 2 3 4, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे एक बार। इस सेकेंड फंदे को आगे लाएंगे, फर्स्ट फंदे को पीछे इस तरह से। पीछे से डालना है आपको राइट नीडल, सेकेंड फंदे को आगे, फर्स्ट फंदे को पीछे। अब इस फंदे को भी लेफ्ट नीडल में लेंगे। अब एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदा का आपको पल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदा सीधा, फिर 1 2 3 4। सेकेंड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड रो हर रंग साइड आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये दो फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। देखिए, अब इस दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इस सेकेंड फंदों को आगे, फर्स्ट फंदों को पीछे लाना है और राइट नीडल पीछे से डालना है इस तरह से। इस सेकेंड फंदों को आगे, फर्स्ट फंदों को पीछे इस तरह से। अब इस फंदे का आपको लेफ्ट नीडल में लेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे। अब एक फंदा को आपको पॉल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदा सीधा, फिर 1 2 3 4। अब इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। ये दो फंदों को छोड़कर 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करनी है, दो फंदा ट्विस्ट करनी है आपको, इन्हीं दो फंदों को ट्विस्ट करनी है। फिर चार फंदा सीधा बुनेंगे, 2 4। देखिए, इन्हीं 6 फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे आपको, ये दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट नीडल, सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे इस तरह से। अब इस फंदे को फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदे को पल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 2 3 4। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, इस दो फंदे को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट नीडल, सेकेंड फंदा को आगे लेंगे, फर्स्ट फंदा को पीछे। फिर इस फंदे को भी लेफ्ट नीडल में लेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदा को पल बाय स्लिप करेंगे। लास्ट में आपको तीन फंदा सीधा बचेगा, 1 2 3।
फोर्थ रो, फोर्थ रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है फोर्थ रो। फोर्थ रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस डिजाइन को आपको इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है आपको। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए जिस स्टिच, अब दो फंदे सीधा बुनेंगे। अब पहले एक फंदे सीधा बुने, फिर अब दो फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो। अब ये तीन फंदे बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। देखिए अब इस दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इस सेकेंड फंदे को आगे, फर्स्ट फंदे को पीछे, पीछे से लेना है आपको राइट निडल इस तरह से। अब इस फंदे को भी लेफ्ट निडल लेंगे। अब इस फंदे को आपको सीधा बुनेंगे, अब एक फंदा का आपको पॉल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार। देखिए एक दो तीन, यहाँ तीन फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करनी है, ये दो फंदों को ट्विस्ट करनी है आपको, ये दो फंदों को, फिर चार फंदे सीधा बुनेंगे, ये दो चार, इन्हीं छः फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे आपको इन्हीं फंदों को, यहाँ से इस दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट निडल, इस सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे इस तरह से। अब इस फंदे का आपको सीधा बुनेंगे, अब इस फंदे का आपको पल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदे सीधा बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार। फिर से आपको चार फंदा बचेगा लास्ट में, आपको इसको क्या करना है देखिए, ये दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट निडल इस तरह से। अब इस फंदे को भी लेफ्ट निडल लेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे और एक फंदे को पॉल बाय स्लिप करेंगे, लास्ट में आपको दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो। सिक्स रो, सिक्स रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सिक्स रो, सिक्स रो सारे फंदे आपको, देखिए इसलिए फंदा आपको इस तरह से उल्टा बुनेंगे। सेवेंथ रो, सेवेंथ रो एक फंदे से स्लिप करेंगे, अब यहाँ अब तीन फंदे सीधा बुनेंगे। अगली बार आपको दो फंदे सीधा बुने थे, अगली बार आपको तीन फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। अब ये चार फंदे बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको, ये दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट निडल, सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे। अब इस फंदे का आपको लेफ्ट निडल में लेके इस फंदे को सीधा बुनेंगे, एक फंदे को इस फंदे का आपको पॉल वाइज स्लिप करेंगे। अब चार फंदे सीधा बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार, ये चार फंदों को छोड़कर, सॉरी ये चार फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करनी है, दो फंदों को ट्विस्ट करनी है आपको, ये दो फंदों को ट्विस्ट करनी है, फिर चार फंदे सीधा बुनेंगे, दो चार, इन्हीं छः फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे आपको इन्हीं फंदों को, देखिए दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट निडल, इस सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे। अब इस फंदे को फिर लेफ्ट निडल लेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदा को पल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदे सीधा बुनेंगे आप, एक दो तीन चार। देखिए दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। ये तीन फंदा को देखिए क्या करना है, इस दो फंदा को तो ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट निडल, इस फंदे को सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे इस तरह से। अब इस फंदे को एक फंदा को सीधा बुनेंगे, इस फंदे का आपको पॉल वाइज स्लिप करेंगे, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, इस सीधा बुनेंगे। एट रो, एट रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है, सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है। नाइन्थ रो, नाइन्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए, देखिए अब की बार आपको चार फंदे सीधा बुनेंगे, पहले एक दो तीन चार। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको,
पांच फंदा बुनने के बाद दो चार पाँच, यहाँ से स्टार्ट करनी है आपको रिपीट पैटर्न। और ये दो फंदा को ट्विस्ट करनी है, राइट नीडल पीछे से लेना है आपको, सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे। अब इस फंदे की भी लेप नीडल लेंगे सेकेंड, इस फंदे का आपको सीधा बुनेंगे, इस फंदे का आपको फॉल बाय स्लिप करेंगे। अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक दो तीन चार, एक डिजाइन खत्म हुआ है आपको, दो चार पाँच, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पाँच फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न आपको। रिपीट करनी है, दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर चार फंदा सीधा, दो चार, यानी छः फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से एक बार रिपीट करेंगे आपको, ये दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट नीडल, सेकेंड फंदा को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे। अब इस फंदे को फिर लेफ्ट नीडल मिलेंगे, एक फंदा को सीधा बुनेंगे, इस फंदे का आपको पॉल बाय स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। देखिए ये लास्ट में आपको दो फंदा बचेंगे, ये दो फंदों का आपको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, पीछे से लेना है राइट नीडल, इस फंदे को आगे लेंगे, फर्स्ट फंदा को पीछे, फिर इस फंदे को भी लेफ्ट नीडल में लेंगे। देखिए अब इस दोनों फंदों का आपको सीधा बुनना है, ये दोनों फंदों का आपको सीधा बुनेंगे, टेंथ रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है, टेंथ रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदे से स्लिप करिए जी स्टिच, अभी अब की बार आपको पांच फंदे सीधा बुनेंगे आप, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको एज स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको, ये दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से लेना है राइट नीडल, सेकेंड फंदा को आगे लेंगे, फर्स्ट फंदा को पीछे ले जाना है इस तरह से। अब इस फंदे को भी लेफ्ट नीडल में लेंगे, अब एक फंदा को सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा को पॉल बाय स्लिप करेंगे, अब चार फंदा सीधा, फिर एक दो तीन चार, एक डिजाइन खत्म हुआ है आपको यहाँ से, दो तीन छः, छः फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपका एक डिजाइन खत्म हुआ है आपको, यानी फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे आपको। रिपीट करनी है, दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर चार फंदे सीधा बुनेंगे, यानी छः फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे आपको इन्हीं फंदों को, सेकेंड फंदों को आगे, फर्स्ट फंदा को पीछे। अब इस फंदे को भी लेप नीडल में लेके एक फंदा को सीधा बुनेंगे, एक फंदा को पॉल बाय स्लिप करेंगे, अब चार फंदा सीधा, फिर एक दो तीन चार, यहाँ से यहाँ तक आपको चार दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एज स्टिच एक फंदा बचेगा, ये सीधा बुनेंगे, टू बेल रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुनना है, टू बेल रो सारे फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, डिजाइन ट्यूबेल रो का डिजाइन है, ट्यूबेल रो में आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करनी है, देन रिपीट करते जाना है वन टू ट्यूबेल रो, ट्यूबेल रो से आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में, ट्यूबेल रो बार बार रिपीट करने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।